बस्ती जनपद के सोनहा थाने के अंतर्गत मंडप गांव में 21 वर्षीय युवती का शव पेड़ से लटका मिला। इसके अनुसार युवती की मां के साथ कुछ कहासुनी हुई और युवती स्वेटर खरीदने के बहाने घर से निकली। पुलिस के अनुसार इसको आत्महत्या बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है तुम्हारा? ये जो मृतका है तुम्हारी कौन है? बहन है। तो ये घटना कैसे हुई? वो स्वेटर खरीदने के लिए पैसा मम्मी से मांगी थी, मम्मी पैसा दे दो स्वेटर लेने जाएंगे, तो मम्मी इसको पैसा दी थी और फिर कह रही थी कि अपना स्वेटर दे दो और हम स्वेटर खरीदने जा रहे हैं और उसके बाद में आपका स्वेटर दे देंगे। दीदी कुर्सी टूटा है, ऊपर वाला टूट गया। तो इसके बाद में तब पहन के मेरा स्वेटर गई थी, उसके बाद में रात को भी नहीं आई, फिर पूरा दिन भी नहीं आई, फिर रात को फिर वो एक लड़का फोन किया था 12 बजे, कह रहा था कि तुम्हारा स्वेटर वहीं पर रखा है, अपना स्वेटर जाकर ले लो। तो रात को हम लोग नहीं गए थे, सुबह गए तो कह रहा कि और आगे जाओ, और आगे हम लोग आगे गए तो आपका स्वेटर नहीं था, लेकिन मेरी दीदी। कितने दिन से गायब थी घर से? कल नहीं परसों से। 3 दिन से? हाँ। तो थाने पे सूचना दी थी? नहीं। तो लाश कहाँ मिली आज? आज वहीं पर बाग में मिली है। कौन कहा था? वही लड़का पप्पू, जो इसका हत्या किया वही हत्या। पप्पू कहाँ कहाँ है? कोठली। सर ये घटना कैसे हुई सर? अभी इस घटना की जांच में हम लोग आए हैं, जांच की जा रही है, उसके बाद बाकी बातें आपको और बताई जाएंगी। फिलहाल अभी इतना पता चला है कि पूजा नाम की ये लड़की है, इसकी माँ से इसकी कहासुनी हुई थी, उसके बाद ये स्वेटर लेने के लिए निकली और आज इसकी जो है पेड़ से लटकती हुई बॉडी पाई गई है। इस संबंध में जांच की जा रही है। सर इस पर क्या शंका हो रही है? फिलहाल शंका तो अभी तक आत्महत्या की है। थैंक यू।